दोस्तों, गुलाब जामुन किसे नहीं पसंद होता है। और अभी त्योहार के सीजन में 8 से 10 मिनट में गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाए तब तो और अच्छी बात है। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया है और अगर ग्राम में देखेंगे तो 400 से 450 ग्राम ये चीनी है। अब इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। गैस फ्लेम मीडियम रखेंगे और चीनी को घुलने देंगे। इस चाशनी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जैसे ही चीनी घुलती है चाशनी तैयार हो जाती है। तो चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इलायची को मैंने चीनी और इलायची के छिलके सहित पीस लिया है। आप चाहे तो क्रश करके इलायची डाल सकते हैं और अपनी पसंद अनुसार केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब इसको ढक के साइड में रख देंगे और गुलाब जामुन के बॉल तैयार कर लेंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गिट्स का एक पैकेट लिया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है 95 रुपीज का और इसके साथ 50 ग्राम फ्री मिला है, तो टोटल 250 ग्राम का पैकेट है ये। इसका छोटा पैकेट भी आता है, आप चाहे तो छोटा पैकेट भी ले सकते हैं। और रेसिपी इसके पीछे भी लिखी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा पैकेट नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं सिर्फ आधे पैकेट से बनाऊंगी, यानी कि लगभग 125 ग्राम से बनाऊंगी। और 125 ग्राम मैं पैक करके अच्छे से सील करके रख दूंगी और बाद में इससे बनाऊंगी। अब मैंने 100 ml दूध लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे है, तो पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और इसको मिक्स करने के लिए कोशिश कीजिए कि चम्मच लीजिए, क्योंकि जब हम इसको गूंथते हैं, इससे आटा तैयार करते हैं, तो पूरे बाउल में और पूरे हाथ में चिपक जाता है, तो दिक्कत होती है छुड़ाने में। बाद में तो छूट जाता है, लेकिन पहले से दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और चम्मच से मिलाते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम आटा तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी की सहायता से इसको इकट्ठा करेंगे। तो अभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा दूध और लेंगे। तो 100 ग्राम में लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध बचा है, बाकी दूध मैंने इसमें लगा दिया है। आप देख पा रहे होंगे कितना मुलायम है ये, और ये बहुत ज्यादा चिपकता है। लेकिन थोड़ी देर इसको इकट्ठा करते रहिए हल्के हाथ से, इस तरह से करते हुए तो बहुत आसानी से छूट जाता है, हाथ से भी और बर्तन से भी। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा सॉफ्ट है ये, टाइट बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर गुलाब जामुन फटने लगेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट रखेंगे और अब इसको प्लेट में रख के चिकना कर लेंगे। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे, जितने साइज का आपको गुलाब जामुन बनाना है उतनी बड़ी बड़ी लोइयां आप तोड़ सकते हैं। तो इतने डो में मैंने यहाँ पे 26 गुलाब जामुन तैयार किया है। तो एक लेंगे इसमें से और इस तरह से प्रेस करते हुए बिल्कुल चिकना बॉल तैयार कर लेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि कहीं भी क्रैक्स ना रहे, नहीं तो फिर गुलाब जामुन वहीं से फटने लगता है। तो हल्के हाथ से प्रेस करते हुए और बिल्कुल चिकना, सब तरफ से चिकना तैयार करेंगे। अगर आप इसका आटा टाइट तैयार करेंगे तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, थोड़ा बहुत क्रैक्स आ ही जाएगा। और अगर बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम आटा तैयार करेंगे तो क्रैक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बिल्कुल चिकना स्मूथ बॉल बनकर तैयार होता है। इसके बीच में आप चाहे तो किशमिश डाल सकते हैं या अपनी पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसके डो को या बॉल को रेस्ट के लिए रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुरंत इससे हम गुलाब जामुन बनाएंगे और तुरंत फ्राई करेंगे। इतने डो में पूरे 26 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं और मीडियम साइज के गुलाब जामुन है। थोड़ा सा डो बच रहा था तो मैंने छोटा सा बना लिया है, इसे हम ऑयल चेक कर लेंगे। अब गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल की जगह पे देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हल्का गर्म हुआ है तो इसमें ये छोटा वाला बॉल डाल देंगे। तो बॉल देखिए ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। तो गैस फ्लेम अब एकदम लो रखेंगे और एक एक करके गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। जितने गुलाब जामुन आसानी से आ जाएंगे उतने डालेंगे, बहुत ज्यादा भर के नहीं डालेंगे, क्योंकि ये गुलाब जामुन फूल के काफी बड़े होंगे, तो फूलने के लिए, बड़ा होने के लिए स्पेस चाहिए। तो इसलिए जितने आसानी से आएंगे बस उतने ही डालेंगे।
और गुलाब जामुन डालने के बाद इंतजार नहीं करेंगे कि ये अपने आप से फूल के ऊपर आएंगे। पहले इसको कलछी से हल्का सा हिलाना पड़ता है, उसके बाद ये फूल के ऊपर आता है। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है तो बिल्कुल हल्के हाथ से ही चलाएंगे। और एक बराबर कलछी इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि गुलाब जामुन के ऊपर कलर भी एक बराबर आए। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, अब गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे और कलर आने देंगे। इस पे कलर भी आप अपनी पसंद अनुसार ला सकते हैं, चाहे तो लाइट गोल्डन ब्राउन रखिए या डार्क गोल्डन ब्राउन रखिए। तो मैं थोड़ा सा और डार्क करूंगी। तो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है गुलाब जामुन और आप देख पा रहे होंगे एक भी गुलाब जामुन नहीं फटा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और तुरंत हम इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी मैंने पहले ही बना लिया था तो चाशनी हल्की गर्म है। गुलाब जामुन को चाशनी में डालते समय भी ध्यान रखना है कि अगर आपका गुलाब जामुन ज्यादा गर्म है तो चाशनी थोड़ी ठंडी होनी चाहिए, और अगर आपकी चाशनी ज्यादा गर्म है तो गुलाब जामुन को थोड़ा सा ठंडा करके कुछ देर के बाद ही चाशनी में डालिए। अगर आप गरम गरम चाशनी में गरम गरम गुलाब जामुन डाल देंगे तो आप कई बार देखे होंगे कि गुलाब जामुन थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा, पिचका पिचका सा लगता है, तो उस तरह से हो जाएगा। यानी कि गरम गरम चाशनी में हम गरम गरम गुलाब जामुन नहीं डालेंगे, एक चीज थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो बाकी के गुलाब जामुन भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे और चाशनी में डालेंगे। गुलाब जामुन पे कलर थोड़ा डार्क ही रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तो कलर लाइट हो जाएगा। इस वाले में भी देखिए एक भी गुलाब जामुन नहीं फटा है, बहुत बढ़िया बना है ये भी। तो इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। और अभी देखिए सिर्फ 5 से 6 मिनट हुआ है और जो गुलाब जामुन हम चाशनी में पहले डाल चुके हैं उसका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए दोनों में आपको अंतर अभी से दिख रहा होगा, जबकि अभी सिर्फ 5 से 6 मिनट ही हुआ है। तो अभी हम इसको ढक के कम आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो आधे घंटे बाद आप देख पा रहे होंगे गुलाब जामुन कितना बढ़िया फूल गया है। मैंने सिर्फ इसको आधे घंटे के लिए ही चाशनी में रखा है और इसके अंदर पूरी चाशनी भर गई है, क्योंकि डो जितना सॉफ्ट हम रखेंगे चाशनी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है ये। अगर हम डो टाइट लगाएंगे तो चाहे इसको पूरी रात चाशनी में रखेंगे ये फिर भी सॉफ्ट नहीं होगा, अंदर हार्ड रहेगा, गुठली जैसी पड़ जाती है अंदर। तो वो टाइट डो की वजह से होता है। तो गुलाब जामुन का डो जितना सॉफ्ट लगाएंगे उतना ही बढ़िया गुलाब जामुन बनता है और उतनी जल्दी से चाशनी अब्सॉर्ब करता है। मैं एक पीस कट करके भी आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर तक पूरी चाशनी भरी हुई है और सिर्फ आधे घंटे में ही ये कितना ज्यादा चाशनी अब्सॉर्ब किया है। ये देखिए बिल्कुल इसमें गुठली कहीं भी नहीं है, बहुत अच्छे से चाशनी अंदर तक है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से गिट्स झटपट गुलाब जामुन आप भी बनाइए। मालपुए की आप कई सारी रेसिपी देखे होंगे और कई तरह से बनाए भी होंगे, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है और बिल्कुल नई रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गाजर लिया है और ग्राम में देखेंगे तो लगभग 200 ग्राम है ये। मैंने यहाँ पर ऑरेंज गाजर लिया है, आप चाहे तो रेड वाला भी ले सकते हैं। तो इसको हमें पीसना है, तो पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल देंगे और इसी के साथ में डाल देंगे 1/2 कप दूध। आप चाहे तो दूध के बजाय पानी भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर पानी ले रहे हैं तो इसमें एक चीज और डालिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो इसमें दूध डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, अभी बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं तैयार हुआ है क्योंकि अभी हमें मिक्सी और चलाना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 कप सूजी, आप चाहे तो मोटी महीन कोई भी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पीसना है, ग्राइंड करना है, तो कोई भी सूजी चलेगा। और 1/2 कप मैदा डाल देंगे, मैदे से मालपुआ बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा और बाइंडिंग भी अच्छी होगी। इसी के साथ में डाल देंगे 1 कप दूध, आप चाहें तो यहाँ पर भी दूध के बजाय पानी ले सकते हैं।
लेकिन अगर आप पानी ले रहे हैं तो इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा, जिससे मालपुए का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसको हमें बिल्कुल फाइन पीस लेना है। इसमें गाजर के टुकड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब एक बड़े बाउल में खाली करके इसको साइड में रख देंगे। बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जब तक चाशनी तैयार करेंगे तब तक इसको रखेंगे। तो घोल अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर रखने से ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी डाल दिया है। अब जिस कप से चीनी लिया है उसी से 1 कप पानी इसमें डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए चीनी को घुलने देंगे। तो यहाँ पर हमें किसी तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी के घुलने तक इसको हमें पकाना है। बस चीनी के अच्छी तरह से घुलने पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच केवड़े का जल डाल दे रही हूँ। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है, इसको अभी हम साइड में रख देंगे। अब चलिए मालपुए का घोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो घोल ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा चाहिए और ना बहुत ज्यादा पतला चाहिए। ये देखिए इस तरह से घोल चाहिए। इसका कलर मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दे रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी अगर नहीं है तो गाजर और मैदा सूजी जब ग्राइंड कर रहे हैं उसी समय 2 टेबल स्पून चीनी डाल दीजिए। अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर। इससे मालपुए का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और आप चाहें तो साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत सौंफ कभी कभी बच्चों को नहीं पसंद आता है, मुंह में आता है तो निकाल कर फेंकने लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है। तो अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो मालपुए अच्छे नहीं बनते हैं। और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, इस तरह से बैटर रखेंगे, ये देखिए। अब लास्ट में इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। हल्का 1/2 चम्मच लिया है तो इसी तरह से डालेंगे। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर ही लेंगे। तो बेकिंग पाउडर डालने से मालपुए बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे और इसके अंदर तक चाशनी भर जाएगी। तो इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अगर आपको बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो 1-2 टेबल स्पून पानी या दूध डाल दीजिए। और अगर पतला लग रहा है तो 2 टेबल स्पून मैदा डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारे मालपुए का घोल तैयार हो गया है। अब चलिए इसको फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर चौड़े मुँह का पैन लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। डिप कढ़ाई लेंगे तो मालपुए बनाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा फ्लैट पैन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने पैन में ऑयल करके गैस पर पहले ही चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। आप चाहे तो मालपुए देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। देसी घी में फ्राई करेंगे तो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है और फ्लेम एकदम लो रखेंगे। अब बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 कलछी बैटर बीच में धीरे से इस तरह से डालेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर से बैटर नहीं डालिए, नहीं तो शेप बढ़िया नहीं आएगा। इसको कुछ चलाना या फैलाना नहीं है, अपने आप से ये अपना शेप ले लेगा। और कुछ सेकंड रुकने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालेंगे। बैटर डालने के तुरंत बाद से ऑयल नहीं डालेंगे, कुछ सेकंड रुकने के बाद इस तरह से ऑयल डालेंगे ताकि अच्छी तरह से फूले और ऊपर से भी सिक जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह से फूलेगा और नीचे साइड से सिक जाएगा तो तले से अपने आप अलग हो जाता है। इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से तला छोड़ देता है। एक मालपुआ फूलकर ऊपर आ जाए तो साइड में कर दीजिए और दूसरा मालपुआ उसी तरह से डाल दीजिए। इस तरह से आप पैन के हिसाब से या मालपुए के साइज के हिसाब से 2-3-4 मालपुआ एक साथ बना लीजिए तो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस मालपुए का भी कलर चेंज हो गया है, इसको भी पलट देंगे।
और इस पर भी दूसरे साइड से भी बढ़िया से कलर आ जाए तो निकाल लेंगे। मालपुआ पलटने के बाद बस कुछ सेकंड के लिए फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे इस पर कलर बढ़िया आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब किए हैं वो भी निकल जाएगा। और इसको हम इस तरह से दबाते हुए निकालेंगे जिससे ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। तो तुरंत ये मालपुआ निकाल कर चाशनी में डाल देंगे, इसलिए चाशनी पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। तो गरम गरम मालपुआ निकालिए और चाशनी में डालिए, क्योंकि यहाँ पर मालपुआ भी गरम होना चाहिए और चाशनी भी गरम होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब करेगा। चाशनी में इसको बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट के लिए एक साइड से रहने देंगे और 2 मिनट के लिए एक साइड से। इधर से भी 2 मिनट हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब बाकी के मालपुए भी इसी तरह से फ्राई करके चाशनी में डालकर निकाल लेंगे। अब आपको पसंद है तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से इस तरह से रख दीजिए तो मालपुए देखने में और अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ पिस्ता रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर बाकी के मालपुए भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया मालपुए बने हैं और आपने देखा ही कितने कम सामान में फटाफट ये बनकर तैयार हो गए हैं, और ना घोल बनाने की ज़रूरत पड़ी है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों, आपको ये मालपुए की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।